morning students. I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 4th. Today we continue chapter 1, large numbers. And today we start new exercise, exercise 1.3, part 1, page number 13. So all of you open your maths book. This is your maths book, maths of class 4th. Now exercise 1.3 and page number 13. See A part. Fill in the blanks. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 equals to dash tens. कि 1000 में कितने tens होते हैं. तो देखिए बच्चों, मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ. 1000 में 100 tens होते हैं. देखिए फर्स्ट का आंसर है 100, क्योंकि tens का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 लगाना. तो 1000 हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं इसको आंसर बताऊँ किस तरह से आया. हम 1000 लिखते हैं ये इस तरह से. अब इसमें पूछा है कि tens, तो tens यानी 10 छुपा दिया. tens में 10 होती है, 10 हमने छुपा दी. तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 100. तो यही 100 हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में. ओके, इसलिए यहाँ पे 100 आएगा. इसी तरह से देखिए, आप यहाँ पे बुक में फिल कर लीजिए इसको आप. तो 1000 में कितने टेंस होते हैं, 100. इसी तरह से 110,000 यानी 10,000 में 100 कितने होते हैं. तो इसमें भी देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ. 10,000 बच्चों कैसे लिखते हैं हम, देखो 10 फिर ये 1000, 10 और ये 1000, तो 10,000 हो गया. अब इसमें हमें 100 पूछा है कि 100 कितने होते हैं, तो 100 में बच्चे 20 होते हैं, 20 कट कर दो, तो कितना दिख बचा है ये 100. तो ये 100 हम यहाँ लिखेंगे. ओके, इसी तरह से देखो 3 10,000. 3 10 का मतलब क्या था, 30,000. तो पहले आप 30,000 लिखो, 30 फिर ये 1000, तो 30,000 हो गया बच्चों. क्या पूछा है इन्होंने, 1000 पूछा है, कितने 1000 होते हैं. तो 1000 में 30 होते हैं, 1 2 3 कट कर दिया, तो कितना बचा ये बच्चों, 30. तो ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे. ओके, अब देखिए 1 lakh. तो पहले आप 1 lakh लिखिए. 1 lakh कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख. ये 1 lakh हो गया हमारा. देखिए इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख. तो ये 1 lakh, ये हमने 1 lakh लिख लिया. अब इसमें क्या पूछा है, 1 lakh में 100 पूछा है, कितने 100 होते हैं. तो 100 में कितने 0 होते हैं बच्चों, 2. तो 20 कट कर दो, 1 2. अब कितना बच गया ये, 1000. ये एक नंबर कितना है, 1000. यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे, है ना, बहुत इजी. अब देखिए लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, 5000. तो हम यहाँ पर 5000 लिख लेंगे. ये हमने क्या लिख लिया, 5000. क्या बताना है, टेंस. बच्चों टेंस में कितने 0 होते हैं, 1. तो 10 कट कर दो, तो कितना नंबर बचा, 500. तो हम यहाँ लिखेंगे 500. कितना सिंपल है ना बच्चों, इजी है ना इसको फिल करना. तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे बुक में. नाउसी बी पार्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. मुझे देखो आप पहले से ही एक्सपांडेड फॉर्म करते आए हो, आपको ये आते होंगे एक्सपांडेड फॉर्म. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इनको किस तरह से करेंगे. तो सी फर्स्ट नंबर, ये आप इस तरह से मेरा इसको इरेज कर देना.
देखो ये नंबर है, हमें एक्सपांडेड फॉर्म करना है, तो पहले ये फोर है, पहले हम फोर लिखेंगे। अब फोर के पीछे कितने डिजिट हैं देखो, ये वन टू थ्री फोर, तो फोर जीरो लगा दो, वन टू थ्री फोर। अब प्लस, प्लस लगाना मत भूलना बच्चों, कुछ बच्चे प्लस नहीं लगाते हैं, प्लस लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक्सपांडेड फॉर्म बनेगा। तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद फोर के बाद क्या है ये फाइव, तो हम यहाँ फाइव लिखेंगे। और फाइव के पीछे डिजिट काउंट करते हैं, वन टू थ्री, तो थ्री जीरो लगाओ, वन टू थ्री, फिर से प्लस, हर बार प्लस ज़रूर लगाना है आपको। और फाइव के बाद क्या है एट, तो आप एट लिखिए। अब एट के पीछे डिजिट काउंट करो कितनी है, वन टू, तो टू ज़ीरो, फिर प्लस, अब थ्री लिखो, थ्री के पीछे कितने डिजिट हैं वन, तो वन ज़ीरो लगा देंगे। प्लस अब क्या बचा सबसे लास्ट में, सिक्स, तो हम यहाँ पर सिक्स लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसी तरह से आपको एक्सपांडेड फॉर्म करना है। देखिए और नंबर, देखिए सेकंड नंबर है, फिर से एक बार और देख लीजिए, जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेवन ने पहले सेवन लिखेंगे, अब इसके पीछे डिजिट काउंट करो, वन टू थ्री फोर, तो फोर जीरो लगा दो, वन टू थ्री फोर, प्लस, अब ये एट है, एट लिख दो यहाँ। अब इसके पीछे कितने डिजिट हैं, वन टू थ्री, थ्री जीरो लगाओ, वन टू थ्री, प्लस, अब ये नाइन है, नाइन लिखो यहाँ। अब इसके पीछे कितने डिजिट हैं, वन टू, तो टू ज़ीरो, प्लस, अब ये सिक्स है, सिक्स लिखो, कितने डिजिट हैं वन, तो वन ज़ीरो, प्लस, अब लास्ट वाला जो सिक्स है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। इसी तरह से इनको भी करना है, बाकी के सभी नंबर्स आपको इसी तरह से करना है। देखिए इसको भी देख लीजिए इसी तरह से, पहले फोर लिखेंगे, अब डिजिट देखो कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो लगा देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, प्लस, अब ये फाइव लिखेंगे, अब कितने डिजिट है इसके पीछे, वन टू थ्री फोर, तो फोर जीरो लगाओ, वन टू थ्री फोर, प्लस, अब ये ज़ीरो है तो ज़ीरो को छोड़ दो, सिक्स लिखेंगे, सिक्स के पीछे कितने डिजिट है, वन टू, तो टू ज़ीरो लगाएंगे, प्लस, एट, एट के पीछे कितने डिजिट है वन, तो वन ज़ीरो, फिर प्लस, अब टू का टू। इसी तरह से ही एक्सपांडेड फॉर्म करना है, बाकी नंबर्स आप अपने आप करेंगे। नासी सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में हमें क्या करना है, राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो वर्ड्स में लिखा हुआ है, पहले हम इसको नंबर में लिखेंगे, फिर उस नंबर में कितने डिजिट हैं वो हमें नंबर ऑफ डिजिट लिखनी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले 15,000, तो पहले हम इसको न्यूमरल में लिखेंगे 15,000। देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 15,000, और इसमें डिजिट काउंट करो कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ लिखेंगे फाइव डिजिट्स। इसी तरह से सेकंड में देखो लिखा हुआ है 6 लाख, तो 6 लाख को नंबर में कैसे लिखेंगे, देखो ये 6 लाख ऐसे लिखेंगे। अब इनमें डिजिट काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ 6 डिजिट्स। इसी तरह से थर्ड 9,50,000, इसको न्यूमरल में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 9,50,000। और इसमें डिजिट कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ 6 डिजिट्स। इसी तरह से देखिए फोर में क्या लिखा हुआ है, 5,000, तो पहले हम नंबर में लिखेंगे 5,000, इस तरह से लिखते हैं 5,000। अब इसमें डिजिट काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो 4 डिजिट्स। इसी तरह से लास्ट वाला देखिए 4,35,811, इसको न्यूमरल में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें हम डिजिट काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव
सिक्स डिजिट्स। तो इस तरह से बच्चों सी पार्ट में पहले हम न्यूमरल में लिखेंगे, फिर इनकी डिजिट काउंट करके हमें यहाँ लिखनी है। नाउ सी डी पार्ट, दिस इज द डी पार्ट। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म है, इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। डी पार्ट फर्स्ट नंबर ये है हमारा। सबसे पहले सिर्फ हमें नंबर, ये क्या सेवन, तो पहले हम यहाँ सेवन लिखेंगे। देखो ये ज़ीरो कितनी है, वन टू थ्री फोर। अब एक एक ज़ीरो हम कम करते जाएंगे, तो फोर ज़ीरो का तो नंबर हमने लिख दिया। अब थ्री ज़ीरो वाला नंबर कौन सा है, थ्री ज़ीरो कहाँ पर है, इसमें है, वन टू थ्री। इसका सिर्फ नंबर नंबर लिखेंगे, सेवन है फिर आप सेवन लिख दो। अब थ्री ज़ीरो के बाद टू ज़ीरो, टू ज़ीरो किस में है, इसमें, तो इसका नंबर क्या है, फोर, तो सिर्फ हम फोर लिखेंगे। अब टू ज़ीरो के बाद वन ज़ीरो कहाँ है, इसमें, सिर्फ टू लिखेंगे। अभी हम एट का एट, ज़ीरो हमें जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बच्चों तो ज़ीरो नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर नंबर लिखते हैं हम, और एक एक ज़ीरो कम करते हुए वो वाला नंबर लिखना है। फिर से देखो इसमें सेवन स्पेस, जो फर्स्ट नंबर होता है हमें लिखना ही लिखना है। अब इसमें ज़ीरो काउंट कर लो कितने हैं, वन टू थ्री फोर। अब फोर के बाद थ्री ज़ीरो देखो कहाँ है, इसमें है, तो ये टू लिखो। अब टू ज़ीरो ढूँढो, इसमें है, सिक्स लिखेंगे। अब वन ज़ीरो कहाँ है, इसमें है, तो फोर लिखेंगे, और ये नाइन। इसी तरह से इसमें देखो पहले फाइव लिखेंगे। अब ज़ीरो काउंट कर लो कितनी है, वन टू थ्री फोर। अब फोर ज़ीरो के बाद थ्री ज़ीरो ढूंढो कहाँ है, इसमें है, तो एट लिखेंगे। अब थ्री के बाद टू ज़ीरो, इसमें है, तो एट लिखेंगे। अब वन ज़ीरो, वन ज़ीरो तो है ही नहीं, तो हम ज़ीरो लिख देंगे। अब ये सेवन, देखो यहाँ पर पहले थ्री लिखो, कितने ज़ीरो हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये आ गया। अब थ्री ज़ीरो इसमें है, तो फोर लिखेंगे। फिर टू ज़ीरो ये है, तो फाइव, वन ज़ीरो में थ्री, और ये वन। तो इस तरह से ये क्या लिखा है हमने, शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए ई पार्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर पुटिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इन नंबर्स में हमें कॉमा पुट करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम कॉमा कैसे लगाते हैं। देखिए पहले हम नंबर लिख लिया, सबसे पहले हम पीछे से राइट साइड से थ्री नंबर काउंट करेंगे, यानी कि थ्री डिजिट, वन टू थ्री, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब हम टू डिजिट काउंट करेंगे, वन टू, फिर कॉमा। सिर्फ फर्स्ट टाइम हम थ्री डिजिट काउंट करते हैं, उसके बाद हम टू टू डिजिट काउंट करते हैं और कॉमा लगाते हैं। इसमें देखो कितने डिजिट काउंट करनी है, सबसे पहले हमें थ्री डिजिट, चलो काउंट करो, वन टू थ्री, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे थ्री डिजिट के बाद। ओके, अब कितने डिजिट काउंट करनी है, टू, वन टू, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, बाकी छोड़ दो आगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम थ्री डिजिट काउंट करेंगे, वन टू थ्री, तो हम यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर टू डिजिट काउंट करनी है, वन टू, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए वन टू थ्री, पहले थ्री डिजिट काउंट करके यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब हम टू डिजिट काउंट करेंगे, वन टू, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। इसी तरह से इसमें वन टू थ्री, बच्चों सबसे पहले हम थ्री डिजिट काउंट करते हैं, उसके बाद फिर हम हर बार टू टू काउंट करके तब कॉमा लगाते हैं। ओके, ध्यान रखना। फिर टू डिजिट, वन टू, आगे डिजिट नहीं है तो हम
यहाँ पे कॉमन नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमन लगाया है। तो बाकी के जो नंबर्स जो मैंने छोड़ दिए हैं, और भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स में कॉमा आप अपने आप लगाएंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।